देखिए यहाँ पे 30 नंबर कह रहा है, 8 विभिन्न सामानों को 7 लड़कों के बीच कितने तरीके से बांटा जा सकता है यदि प्रत्येक लड़का कम से कम एक सामान पाता है। यानी कि इसमें हर एक लड़का जो है ना कम से कम एक सामान पाएगा, तो 8 सामान है, यानी कि कोई एक ऐसा लड़का होगा जिसको 2 सामान मिलेगा। यहाँ लिखेंगे कि 8 विभिन्न सामानों को 7 लड़कों के बीच बांटना है, जिसमें प्रत्येक लड़का कम से कम एक समान पाता है। अतः इनमें एक ऐसा लड़का होगा जिसे दो सामान मिलेगा। क्योंकि देखिए आपके पास 8 सामान है ना और 7 ही लड़के हैं, तो इसमें कोई एक ऐसा लड़का होगा ना जिसको आप 2 सामान दीजिएगा तभी ना सबको कम से कम 1 सामान मिलेगा। चलिए इसलिए 7 लड़कों में है ना दो सामान को देने का तरीका बराबर हो जाएगा 7C2। ठीक है, अब 7 में से किसी एक को जब आप 2 सामान दे दिए तो उसके बाद बचा 6 लड़के, तो यहाँ फिर लिखेंगे 6 लड़कों में 1 सामान। क्योंकि देखिए किसी एक को ही आप 2 सामान दे सकते हैं, है ना, किसी एक को ही ना 2 सामान दीजिएगा, अब तो बाकी को एक एक देना होगा। 1 सामान को देने का तरीका क्या हो जाएगा आपका 6C1। उसके बाद इसी तरह पांच लड़कों में 1 समान देने का तरीका 5C1 है ना 5C1। उसके बाद ऐसे ही चार लड़कों में 1 समान देने का तरीका हो जाएगा आपके पास क्या 4C1 है ना। तो यही अनुक्रम आप पूरा लिख दीजिएगा, कहां तक, 1 लड़के 1 तक का है ना, सबका लिखते जाइएगा। हम डायरेक्ट लिखते हैं इसलिए कुल अभीष्ट तरीका, बाकी सब स्टेप आप लिख लीजिएगा कुल अभीष्ट तरीका, क्योंकि देखिए बहुत लंबा पार्ट हो गया, 19 पार्ट हो गए अभी तक चैप्टर के, है ना, अभी चैप्टर खत्म भी नहीं हुआ, तो इसको जल्दी जल्दी खत्म किया जाए। तो आपका कुल अभीष्ट तरीका क्या हो जाएगा 7C2 × 6C1 5C1 4C1 3C1 2C1 × 1C1। अब देखिए यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना होगा 7 लड़कों में आपस में समान को बांटने का तरीका क्या हो जाएगा 7 का फैक्टोरियल, लेकिन इसमें जो है ये 2 समान कोई भी लड़का पा सकता है ना, कोई भी लड़का पा सकता है, यानी कि वो रिपीट हो सकता है, या तो इसको मिल जाएगा या इसको मिल जाएगा या इसको मिल जाएगा इसको मिल जाएगा इसको मिल जाएगा इसको मिल जाएगा, इसलिए इसमें भाग कर देंगे 6 के फैक्टोरियल से। इसको सॉल्व कर दीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन।